गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तबीयत ख़राब है, सोच सोच के टेंशन ले लेके तबीयत ख़राब है और कुछ नहीं है। तो यार अब मैं क्या करता हूँ, मैं उठता हूँ, नहाता हूँ और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम करता हूँ। तो भाई नहा चुका हूँ और अब मैं क्या करने वाला हूँ, बाज़ार जाना है, कुछ काम है। उससे पहले भाई साहब इस टॉप बॉक्स को फिट कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप बॉक्स के अगर बिल्कुल नीचे देखो तो यार ये देखो एक प्लेट लगी हुई है, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। इसको पहले फिट करना है पीछे और उसके बाद इसे इंस्टॉल करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं। ये देख रहे हैं कि पॉइंट लगा हुआ है, इसको खोलो। ओके, और इसको ओपन करने के बाद ये जो रैक प्लेट है ये बाहर आ जाए नीचे, ये बटन दबाते ही। तो इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे, इसको प्रेस किया और ये देखो ये रैक प्लेट अलग हो गई है और ये मेटल की है। सबसे अच्छी बात है ये मेटल की है। तो और सारे ब्रांड्स में क्या होता है, और ब्रांड्स में ये पंगा पड़ता है कि ये वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिक का दे देते हैं, और इसमें क्या है ये मेटल का होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टडी होगा। ठीक है, अब इसको पहले हम फिट कर लेते हैं। सारी की सारी मेहनत बस इसको फिट करने की है, टॉप बॉक्स ऊपर रखना ही है। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो चलो यार पहले इसको फिट कर लेते हैं हम अपने हिमालयन पे। आओ कर दिया। इसके साथ में यार ये दो एक्सटेंशन आई हैं जिनके साथ हमें इसे फिट करना है। क्या करेंगे यार, हम इसके हम बैक साइड में यहाँ पे इन्हें फिट कर लेंगे, इस तरह से इन्हें फिट कर लेंगे। अभी देखते हैं कि इसको ऐसे फिट करना है या ऐसे फिट करना है, या मैं क्रॉस में करूँगा सो दैट ये स्टडी रहे बहुत ज़्यादा। तो इनको हम पेज से यहाँ पे फिट कर लेंगे और उसके बाद अपनी बाइक पे इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छी बात ये है यार कि इस बाइक पे हिमालयन में पहले से ये जगह बनी हुई है, और अगर आप कोई ऐसी बाइक में फ़िट करने वाले हैं इसमें ऐसी जगह नहीं है तो यार आप बाहर से लगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार पहले इस पेज को कस लेते हैं। तो यार इसके साथ में ये देखो ये सारे पेज वगैरह सारा कुछ आया है, इनको हम इसके साथ ही फिट करेंगे। ठीक है, तो चार पेच हैं, उसके साथ रिपेट्स वगैरह सारा कुछ है। तो दो पेच से क्या करता हूँ, इस अपना जो ट्रे है इसको फिट कर लेता हूँ, और दो पेच से यूज़ करके इसको इसके ऊपर फिट करेंगे। करते हैं चलो। तो एक्चुअली कैमरामैन मैं हूँ। यस इट्स मी। तो यार जो ये अपना, एक मिनट ये जान दे, ये आई है। तो यार टॉप रैक तो फिट हो गया है, और अब सबसे अच्छी बात इस टॉप बॉक्स ही क्या है यार, इसको परमानेंटली फिक्स नहीं करना पड़ता। इसको आप इस तरह से टैची की तरह भी कैरी कर सकते हो, और जिस तरह ये फिट होगी है इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आप इसको इस पर रखेंगे, ये लॉक करेंगे, और ये देखिए ये टॉप, ये मैं लॉक कर देता हूँ इसे पूरा। ये देखिए टॉप बॉक्स ऊपर से भी लॉक नहीं हुआ है, बट ये टॉप बॉक्स पूरी तरह से अब फिट है, यानी कितने सही तरीके फिट हो रखे। तो आप देखो यार ये टॉप बॉक्स पूरी तरह से फिट हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है यानी कि यहाँ पे, और इसको उतारना भी उतना ही इजी है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें सामान भी बड़ा अच्छा कैरी हो जाता है। तो यार ये है, हाँ ये देखो यार सुनाया भी इसमें आराम से टॉप बॉक्स रख सकती है, और थोड़ा सा जो ये शेक करता था उसके लिए बड़ा अच्छा इन्होंने बीच में एक बटन दे दिया है, आप वहाँ से भी उसे कस सकते हो। तो यार ये तो अभी इंस्टॉल हो गया है, ट्रिप पे मैं जा नहीं रहा हूँ, तो यार अब बाजार चलते हैं शॉपिंग कर लें। तो यार टॉप बॉक्स फिट हो गया, सच पास नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, किसी और राइड के लिए काम आ जाएगा। पहले मेरा इरादा था यार 45 लीटर वाला मंगवाने का, क्योंकि तो यार मेरा जो पर्पस था उसे मंगवाने का, हेलमेट रखना तो नहीं था मुझे, मेरा लैपटॉप रखना था और कैमरा एक्सेसरी रखनी थी। पर जब मैंने ये 32 लीटर वाला मंगाया तो सीरियसली यार मेरा 16 इंच का मैकबुक उसके अंदर आराम से आ रहा है, और इसे फिट करने में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। और सबसे अच्छी बात ये कि वन से फिट करके इसे हमेशा फिट करके रखने की जरूरत नहीं है,
अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको टॉप बॉक्स की जरूरत नहीं है, तो आपको इसे फिट करने की जरूरत नहीं है, और बड़े आराम से आप इसे फिट करो और उतार लो। कई जगहों पे क्या होता था यार कि सामान लेके जाना होता था रूम तक, तो पैनियर्स को निकाल के लेके जाना बहुत दिक्कत होती थी। तो उस सिचुएशन में यार ये टॉप बॉक्स बहुत बढ़िया है, अटैची की तरह बन जाएगा पूरा। इसके अंदर कपड़े रखो, इसको आराम से निकाला, अटैची की तरह अपने कमरे में लेके टॉप बॉक्स को वहीं लगे रहने दिए। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फिट करना भी बहुत ईजी है, घर पे ही फिट कर लिया, किसी भी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ी है और बहुत ईजी है। और इसका जो प्राइस है यार 3800 है, 3800 सिर्फ, जबकि इसके साथ के बाकी के जितने भी टॉप बॉक्स है वो 10,000 से ऊपर के ही हैं। तो यार वैल्यू फॉर मनी है, अगर नहीं लिया तो यार बाय करो ASG स्टोर पे जाके। शनाया की शॉपिंग हो गई है, मेरी शॉपिंग अभी तक हुई नहीं है, और अब हम चलते हैं घर, और घर चल के आपसे बात करते हैं, चलो। तो यार मॉल के बाद मैं सीधा घर आ गया, और उसके बाद यार काफ़ी कुछ सोचता रहा, काफ़ी कुछ दिमाग में चलता रहा, और अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोच ही रहा हूँ और ये वीडियो को एंड नहीं कर पाया। तो यार अब थोड़ा सा एक फैसला लिया है, एक्चुअली शनिवार को मैं अपने गॉलब्लैडर का ऑपरेशन कराने वाला था, जो कि मैं अब नहीं कराऊंगा। मुझे नहीं पता कि ये कोई समझदारी वाला डिसीजन है या बेवकूफ़ों वाला डिसीजन है, मुझे लगता है कि मुझे अभी होल्ड करना चाहिए। कहीं ना कहीं यार गॉल ब्लैडर भी मेरी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बाद मैं कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी यानी कि खाने की कोशिश करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी ही होगी। अभी मुझे पेन नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने डाइट मॉडिफिकेशन करूँ, उस तरह खाना ना खाऊँ जिससे कि मुझे पेन हो, तो जितना मैं सरवाइव कर सकता हूँ अपने इस ऑर्गन के साथ मैं सरवाइव करने की कोशिश करूँगा। मैं उस तरह के खाने नहीं खाऊँगा जिस तरह के खानों से ये पेन ज़्यादा हो सके या मेरे वो स्टोन मूव कर सके, और ट्राई करूँगा कुछ ऐसी मेडिसिन्स को भी इंट्रोड्यूस करने का जिससे कि वो स्टोन है वो थोड़े से मेल्ट हो सके, यानी कि उनका साइज़ कम हो सके या कुछ भी, यानी जिससे मुझे आराम मिल सके। तो जब तक अब दर्द नहीं होता है मैं ऑपरेशन को पोस्टपोन कर रहा हूँ। आप कह सकते हो यार कहीं जाने कि यार ये डिसीजन गलत है, बट यार एज़ पर मी मुझे ठीक लग रहा है और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूँ। तो होपफुली मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, होपफुली कुछ ऐसा चमत्कार हो कि सब कुछ ठीक रहे। तो यार ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, बट थैंक यू इतने दिनों तक मेरे साथ रहने के लिए और रोज़ आप मेरे वीडियो देख रहे हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू यार। और मुझे भी अच्छा लग रहा है डेली आपसे कनेक्शन बना के, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ बोलना सीखने को मिला है। व्लॉग तो मैं काफ़ी वक्त से कर रहा हूँ, पर जो इनसे रेगुलर व्लॉगिंग किया यार ये सीरियसली एक अलग एक्सपीरियंस था। आज मुझे नियर अबाउट 15-16 दिन हो चुके हैं व्लॉग करते हुए और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जो मेरा 90 डेज़ का चैलेंज था वो मैं ज़रूर करूँगा, बट मैं 4 दिन की रेस्ट ले रहा हूँ। 4 दिन में कुछ ट्राई करने वाला हूँ यार अपने स्टोन्स के लिए, विश मी लक कि वो हो जाए, और जैसा भी होता है आपको मैं अपडेट तो करता ही रहूँगा। तो अपना 90 डेज़ का जो मैं प्लान है वो आफ्टर 4 डेज़ शुरू दोबारा से करूँगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार वीडियो को लाइक भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और बाकी की प्लेलिस्ट है यार वो भी आप जाके देख सकते हो, लद्दाख की प्लेलिस्ट पड़ी है, लद्दाख की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है यार, तो मिलता हूँ मैं आपको, गुड नाइट।